आप आ गए तो हम भी आ गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3। देखिए 3.3 जो है ना बहुत इजी है। इससे पहले देखो बता देते हैं आपको कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, डर जाते हैं इस क्वेश्चन को करने में, 3.3 को करने में डर जाते हैं। लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना ईजी है ना, क्या ही बताएं हम इसके बारे में। ठीक है, तो बहुत ईजी है। पहले हम आपका इसको थ्योरी यानी प्रॉपर्टीज पढ़ा देंगे पैरेललोग्राम के बारे में, उसके बाद एक्सरसाइज को करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, और जिनको डायरेक्ट एक्सरसाइज देखना है तो वीडियो को स्किप करके देख लेंगे, लेकिन हम कहेंगे कि पहले थ्योरी कंसेप्ट जो फार्मूला बता रहे हैं, 5 से 10 मिनट समय लगेगा, उसमें आपको बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलेगा। ठीक है, वो पढ़ लोगे तो फिर कोई दिक्कत होगा ही नहीं। ठीक है, आइए प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम यानी प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम का कुछ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना होगा, समझना होगा, ठीक है, सुनना भी होगा। ठीक है, क्या कैमरा ब्लर हो जा रहा है? अब नहीं होगा। ठीक है, तो आ जाओ इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसका नंबर 1 प्रॉपर्टी है, ये कहता है कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसको हम लिख लिख करके बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपकी बात। वो अपोजिट अपोजिट साइड्स ऑफ ये पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, फिगर से समझाएंगे। ये देखिए एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम दे देते हैं, सही से दिख रहा है ना, क्लीन दिखना चाहिए। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, यहाँ से इसको डायगोनल्स डाल देते हैं, ये डायगोनल्स हमने डाल दिया। ठीक है, अब देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये देखो इसका जो अपोजिट है यानी सीधा इसका अपोजिट ये वाला चीज़ है, तो ये दोनों अपोजिट साइड एक दूसरे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और ये अपोजिट साइड एक दूसरे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो वही होता है पैरेललोग्राम का फर्स्ट प्रॉपर्टीज कहता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, सेकेंड इसका दूसरा प्रॉपर्टीज देखो, दूसरा प्रॉपर्टीज कहता है कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। दूसरा क्या कहता है इसको लिख देते हैं, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो फिगर बनाएंगे तो बातें आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगी। ये देखिए ए, ए बी, ए सी और ए डी। अब ए का अपोजिट एंगल कौन सा होगा? ए सी होगा। ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के। और ये जो एंगल बी है ये किसके इक्वल होगा? एंगल डी के। एंगल जो बी है एंगल डी के इक्वल होगा। तो याद रखिएगा पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा इसका प्रॉपर्टीज। तीसरा प्रॉपर्टीज कहता है कि एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। पहले इसको लिखते हैं, एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री कहने का मतलब है कि जो एडजेसेंट एंगल का पैरेललोग्राम जो होता है वो कितना होता है? सप्लीमेंट्री मतलब 180 होता है। इसको फिगर बनाते हैं, ये देखो ए,
ए बी ए सी और ए डी। तो यहाँ से ये जो एंगल ए और एंगल डी है, एक क्या है, एडजेसेंट एंगल है, और ये क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, यानी 180 होता है। एंगल ए प्लस एंगल डी क्या होगा, 180 हो जाएगा। या एंगल बी और ए और बी भी क्या है, एक एडजेसेंट एंगल है, और ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होंगे। आप एंगल ए प्लस एंगल बी भी बोल सकते हो 180, ठीक है। एंगल बी और सी भी 180, डी और सी भी 180, यानी एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या, सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है, याद रहेगा, बहुत ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट चौथा, इसका प्रॉपर्टीज कहता है कि अपोजिट अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम आर अल्सो पार्ले। अल्सो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम अल्सो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। कहने का मतलब है, ये देखो आपका पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, और जो ए है लाइन, इसको आगे और लेकर जाओगे, यानी ये जो ए बी है और डी सी है, ये क्या होंगे, हमेशा पैरेलल होंगे। एंगल सॉरी ए बी पैरेलल सी डी, और जो एंगल ए डी है और बी सी क्या होंगे, एंगल ए डी पैरेलल होंगे बी सी के, ये हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे को पैरेलल ही होगा, ठीक है। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट, पांचवा इसका प्रॉपर्टीज। इसका पांचवा प्रॉपर्टीज कहता है कि द डायगोनल्स ए पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इच अदर, ठीक है। कहने का मतलब है, एक ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, और इसका नाम ए ए बी ए सी और ए डी, ये देखो डाइगोनल्स है, ठीक है, ये क्या है, डाइगोनल्स है। अब ये जो डाइगोनल्स हैं, एक दूसरे क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये वाला साइड यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये वाला इनके साथ ये इक्वल होगा, मतलब ओ ए ओ सी के इक्वल, ओ बी ओ डी के इक्वल होंगे, ठीक है, याद रहेगा। अगला छः नंबर है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, यानी ये हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल ये एंगल के इक्वल होता है, और ये वाला एंगल इस एंगल का इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद सेवन नंबर में, सेवन नंबर में आता है अल्टरनेट एंगल, वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। अल्टरनेट एंगल देखो इस तरह से होता है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये सभी टीचर नहीं लिखवाते हैं, हम आप लोग को मेहनत करके लिखवा रहे हैं, ताकि हमेशा कोई भी क्वेश्चन करे तो आपको पता रहे, हवा में क्वेश्चन नहीं बनाना है, ठीक है, हवा में क्वेश्चन बनाओगे उड़ जाओगे बाद में। देखो अभी क्या होता है, लीनियर पेयर, ये जो लीनियर पेयर, ये लाइन जो है, इस लाइन पर कोई बाइसेक्ट करता है, तो इनके साथ जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 180। इसको क्या नाम दिया गया है, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एंगल इच 180, कितना का होता है, 180 का होता है। तो ये था प्रॉपर्टीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं एक्सरसाइज में, ये देखो ये आपका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.3 बोला है कि गिवेन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, यानी आपको यहाँ पर एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी दिया गया है,
कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डिफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज, मतलब जो अभी आप लोगों को हम डिफिनेशन और प्रॉपर्टीज पढ़ाए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, इसका आंसर फिल करना है। अभी है ए डी, तो देखो हम यहाँ पर इसको बना देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को हम बना देते हैं। पहला में क्या भरेंगे, ए डी है ना, ध्यान से देखना, ए डी है तो ए डी ए वाला, तो ए डी किसके बराबर होता है, अपोजिट साइड एक दूसरे क्या होता है, इक्वल होता है। तो ए डी जो है यहाँ से जो ए डी बन रहा है किसके बराबर होगा, बी सी के, किसके इक्वल होगा, बी सी के। तो पहला में क्या हो जाएगा, बी सी, पहला का आंसर हो जाएगा बी सी। दूसरा इसका सेकंड क्वेश्चन, एंगल डी सी बी, देखो यहाँ से ये जो बना रहा है डी सी बी यानी ए वाला एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ए वाला एंगल किसके बराबर होगा, एंगल ए के, क्योंकि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो डी ए बी हो जाएगा, सेकंड में क्या हो जाएगा, एंगल डी ए बी हो जाएगा। थर्ड देखो, थर्ड है ओ सी, ओ सी किसके इक्वल होंगे, देखो ओ सी, अब कभी आपको पढ़ाए प्रॉपर्टीज में कि ए वाला और ए वाला की इक्वल होता है, तो ओ ए हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा। चौथा यानी इसका फोर्थ, एम, एम का मतलब होता है एडजेसेंट, ठीक है। एडजेसेंट एंगल डी ए बी प्लस एडजेसेंट एंगल डी सी डी ए, देखो डी ए बी ए वाला एंगल और सी डी ए वाला एंगल, तो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल दोनों का जब सम करते हैं तो क्या होता है, दोनों का ए वाला एंगल और ए एंगल का जब एडजेसेंट एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, दोनों का सम क्या 180 हो जाएगा। तो क्या भर देंगे, 180 डिग्री, ये आपका आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट होता है। अब मेन है सेकंड क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग बहुत सारे चीज़ सीखोगे नए नए, ठीक है। तो ध्यान से इसको करना होगा। बोला है कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही ईजी है, इस फिगर को हमने बना लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या क्या गिवेन है, आपको गिवेन है कि एंगल बी जो है वो 100 डिग्री है, तो लिखेंगे इसका सॉल्यूशन करेंगे कि एंगल बी जो है वो दिया है 100 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, एंगल बी कितना दिया है, 100 डिग्री दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम देखो इसको निकालेंगे, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल बी 100, तो एंगल डी भी कितना होगा, 100, यानी वाई का जो वैल्यू होगा वो 100 हो जाएगा। तो पहले तो अपोजिट एंगल से लिखेंगे कि एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के, ठीक है, ये कैसे हो रहा है, तो अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल के थ्रू, ठीक है, इसको लिखना जरूरी है, नहीं तो कैसे पता चलेगा आप कैसे बराबर किए, ठीक है। तो जब पता है कि एंगल बी 100, तो एंगल डी भी कितना होगा, 100 होगा, और 100 यानी वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, एंगल डी के लिए वाई दिया है ना, तो एंगल डी के लिए वाई का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। समझ में आया ना, क्योंकि एंगल बी 100 है तो एंगल डी भी 100 होगा, आपको क्या निकालना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पर वाई है तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। हमने अभी सिर्फ वाई का वैल्यू फाइंड किया, ठीक है, हमको एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है, तभी एक्स और जेड का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखो क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि वाई जो है 100 है, तो आपको ये भी पता है कि एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होते हैं, 180 होता है, दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि एंगल जेड प्लस वाई ये एडजेसेंट है जो 180 होता है, इसको लिख देंगे एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, जेड का जेड, वाई कितना है 100 इक्वल टू 180, तो यहाँ से जेड का वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस 100,
क्योंकि प्लस इक्वल साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो जेड इक्वल टू आ गया 80 डिग्री। देखो हम लोग जेड का भी वैल्यू फाइंड कर लिए, ठीक है। अभी हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो देखो ये अपोजिट एंगल जो जेड होगा वहीं एक्स होगा, तो यहाँ से क्या करेंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि एंगल ए और एंगल सी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल से, अपोजिट एंगल, ठीक है। तो इसी तरह एंगल जेड है आपका एक 180, एंगल जेड इक्वल हो जाएगा किसका, एंगल एक्स के, तो जेड है 80 तो एक्स भी क्या हो जाएगा 80, तो यहाँ से हमारा एक्स का वैल्यू फाइंड हो गया, ठीक है। लास्ट में लिख देंगे कि हैंस एक्स इक्वल टू 80, वाई इक्वल टू 100 और जेड इक्वल टू 80, योर आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं किसी को, सबको समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका 2, ये देखो सेकंड, ये वाला। आप पहले तो इसका नाम दे दें कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह का एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो पहले देखो आपको गिवेन क्या है, एंगल डी गिवेन है, लिखेंगे एंगल डी जो है वो दिया है 50 डिग्री, ठीक है। अब ये देखो एंगल डी एंगल बी के अपोजिट है, अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग ये भी क्या हो जाएगा 50, लेकिन ये देखो ये इस लाइन पर एक ये लाइन कट कर रहा है, यानी यहाँ पर एक ए भी एंगल बन रहा है, यहाँ पर हाफ ही बचा, इसलिए हम इसको अपोजिट एंगल अकॉर्डिंग इसको हम 50 नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब देखो हम ये देख रहे हैं कि एंगल डी और एंगल ए दोनों एडजेसेंट एंगल है, दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो दोनों जब एडजेसेंट एंगल है तो हम क्या करते हैं, लिखेंगे एंगल डी प्लस एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल तो सप्लीमेंट्री यानी 180, यहाँ पर लिख देंगे एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो एंगल डी है 50 और एंगल ए है एक्स इक्वल टू 180 हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 और ए प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 130, यानी एक्स का वैल्यू 130 आ गया, ओके। चलो एक्स का वैल्यू 180 तो अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग ये भी क्या हो जाएगा इक्वल, लिख देंगे तो वाई इक्वल टू भी हो जाएगा 130, कैसे हुआ, अपोजिट एंगल के थ्रू, ठीक है। अभी हमें जेड का वैल्यू फाइंड करना है, तो आपको पता है ना कि जो ये जेड है यहाँ पर एक लीनियर पेयर बन रहा है जो कि 180 का होता है, तो ये एंगल तो जेड पता है लेकिन ये एंगल पता नहीं है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं एंगल वन, इसको हमने लेट किया एंगल वन, तो एंगल वन जो है एंगल डी के क्या है इक्वल है, एंगल वन जो है एंगल डी के इक्वल है, ठीक है। तो एंगल वन एंगल डी के इक्वल है, तो एंगल वन इक्वल टू एंगल डी कितना है 50, तो यहाँ पर एंगल वन भी हो जाएगा 50, आप कुछ भी ले सकते हो, लेट किए हैं सिर्फ, ठीक है। तो एंगल वन आ गया 50, कोई दिक्कत नहीं किसी को, सबको बातें समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब देखो तो यहाँ पर एक लीनियर पेयर बन रहा है, तो लीनियर पेयर के साथ ये दो दोनों एंगल होता है उसका सम कितना होता है 180, तो एंगल वन और एंगल जेड इक्वल टू 180, एंगल वन प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180, कहाँ से लाए हो, तो लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर, ठीक है। तो एंगल वन तो आपको पता है कि 50 है, एंगल जेड आपको निकालना है, तो यहाँ से जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल लिखोगे भी तो सही है, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, 180 और ये 50 है तो 50, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 130 डिग्री। तो देखो तो जेड का वैल्यू आ गया, वाई का भी, एक्स का भी, तीनों का वैल्यू सेम आया, तो लिखेंगे हैंस एक्स भी 130, वाई भी 130 और जेड भी 130, योर आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं किसी को, सबको क्वेश्चन समझ में आया ना। चलो अब इसका थर्ड देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखो,
पहले तो इसका नाम दे देते हैं कि ए ए ए बी ए सी और ए डी। ठीक है, अब यहाँ देखो बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ये जो दिया है वो क्या है ऐसे, मतलब ये 90 डिग्री पर है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग ए एंगल और ए एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो ए 90 है, एक्स भी कितना हो जाएगा 90, तो यहाँ से लिख सकते हैं सॉल्यूशन एक्स इक्वल टू 90। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू। ठीक है, इस कंडीशन को, शर्त को लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब देखो तो ए हो गया 90, ए हो गया 30 और ए हो गया y, एक ट्रायंगल नहीं है क्या? ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का सम कितना होता है 180, तो लिखेंगे एंगल x एंगल 30 और प्लस एंगल y, तीनों का सम कितना हो गया 180। कहाँ से लाए हो? तो लिखेंगे सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक्स का वैल्यू 90 प्लस 30 प्लस वाई इक्वल टू 180, इनको ऐड करेंगे 120 हो जाएगा, प्लस वाई इक्वल टू 180, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा 180 और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। वाई का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब देखो वाई आ गया, एक्स भी आ गया, अब हमें क्या चाहिए? जेड। तो यहाँ देखो तो एक आपको अभी पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट में क्या होता है, एक जेड के जैसा शेप बनता है इस तरह से, जब जेड के तरह से शेप बनेगा तो अल्टरनेट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, ए वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये जो देखो यहाँ से भी क्या बन रहा है, एक यहाँ से ये देखो, ये देखो एक जेड के शेप बन रहा है, नहीं अल्टरनेट एंगल है, तो ये जो एंगल वाई है एंगल किसका हो जाएगा, जेड के इक्वल, तो एंगल वाई तो आप फाइंड किए हो 60, तो जेड भी क्या हो जाएगा 60, लिखेंगे वाई इक्वल टू जेड। एक इक्वल कैसे हुआ, तो अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल के थ्रू। ठीक है, तो वाई 60 तो जेड भी 60 हो जाएगा, तो लास्ट में क्या करेंगे लिख देंगे हैंस एक्स इक्वल टू 90, वाई इक्वल टू 60 और जेड इक्वल टू ही 60 डिग्री, योर आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो फोर्थ नंबर देखो, ये है, इसका नाम दे दो ए बी सी डी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो तो आपको इसमें क्या है गिवेन, ये बी पता है आपको, यानी इसको लिख लेंगे कि एंगल बी जो दिया है वो 80 डिग्री दिया हुआ है। तो अब देखो अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो जो एंगल बी होगा वहीं डी होगा, तो लिख देंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई का वैल्यू, वाई का वैल्यू 80 डिग्री हो जाएगा। अब ये 80 आ गया और ये एक्स, दोनों एडजेसेंट एंगल है, तो दोनों एडजेसेंट एंगल, तो सम उसका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा वाई प्लस एक्स इक्वल टू 180। कैसे भैया? तो लिखेंगे एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, तो वाई का वैल्यू क्या है 80 और एक्स तो एक्स ही रहेगा, ये हो जाएगा 180, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 180 और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 100, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 100। ठीक है, वाई का भी वैल्यू आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया, लेकिन जेड का वैल्यू नहीं आया। तो यहाँ पर देखो तो इस लाइन पर ये लाइन क्या कर रहा है, टच कर रहा है, यानी इस दोनों एंगल का सम क्या होता है 180, और इसको पता नहीं है क्या है, इसको हम मान लेते हैं एंगल, लेट कर लिए एंगल 1।
देखो तो ये अपोजिट एंगल है, तो जो एक्स होगा वही एंगल वन होगा, तो लिखेंगे एक्स इक्वल टू एंगल वन। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल है। तो एंगल वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो एक्स का है, एक्स कितना है, 100 है। अब देखो, अब यहाँ पर लीनियर पेयर लगाएंगे, दोनों का सम कर देंगे कि एंगल वन प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180। कौन सा प्रॉपर्टीज है? लीनियर पेयर। ठीक है, तो वन कितना है, 100, और जेड तो जेड, ये 180, तो जेड इक्वल टू हो जाएगा 180, और ये प्लस कर जाएगा तो माइनस, तो जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। जेड का 80, एक्स का 100, वाई का 80। लास्ट में लिख देंगे हैंस एक्स इक्वल टू 100, वाई इक्वल टू 80, और जेड इक्वल टू भी 80 डिग्री, योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब 5 देखेंगे, 5 है और सेकंड का लास्ट है। ठीक है, इसका भी नाम दे दो ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब देखो तो यहाँ पर सबसे पहले एंगल बी दिया है, तो एंगल बी किसके इक्वल होगा, डी के, क्योंकि अपोजिट एंगल है। तो पहले तो लिखेंगे कि एंगल बी जो दिया है वो दिया है 112। तो यहाँ से एंगल बी और एंगल डी क्या हो जाएगा, इक्वल। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल है। तो यहाँ से वाई है ना, तो वाई का वैल्यू हो जाएगा 112। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, ध्यान देना कि इस लाइन को यहाँ से यहाँ पर दो एक डायगोनल से जा रहा है, तो यहाँ से जो पूरा एंगल बन रहा है इन दोनों का सम, और इस एंगल का, दोनों एडजेसेंट एंगल है, दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180। ठीक है, दोनों एडजेसेंट का कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ से देखो तो, और एक और बात यहाँ पर आपको एक और बात पता चलेगा कि यहाँ पर एक जेड जैसा शेप बन रहा है, देखो ऐसे आ करके फिर ऐसे चला गया, यानी जो एंगल एक्स है एंगल जेड की इक्वल है। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल ए एंगल इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप लिख ही लो कि एंगल एक्स जो है एंगल वाई के बराबर है। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको निकालेंगे। तो ये एंगल ए और इस एंगल को, ये देखो टोटल एंगल ए और एंगल बी, ये क्या है, एक दूसरे को क्या है, एंगल ए और एंगल बी एडजेसेंट एंगल है। तो लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी, ये क्या है, 180 होते हैं। ये है क्या, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल है। ये दोनों एडजेसेंट ही है ना, एंगल 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 ए और एंगल बी। एंगल ए क्या है, 40 और जेड, 40 और जेड है, और बी क्या है, 112, और ये सम क्या है, 180। इसको ऐड कर देंगे, जेड का जेड 112 और 40 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 152 इक्वल टू 180। तो जेड इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 152, तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो ये 8 और ये 2, जेड का वैल्यू इतना आ गया। आपको पता है ना, यहाँ से देखो जेड का वैल्यू हमने, जेड जेड जो है उसको हमने क्या लाया, 28 ला दिया। अभी हम लोग को एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो आपको पता है कि यहाँ पर ये जो एंगल एक्स है वो किसके इक्वल बराबर है, जेड के। यहाँ पर वाई लिख दिया है क्या यार, जेड होना चाहिए, क्योंकि ये ना अल्टरनेट एंगल है, एक्स और जेड अल्टरनेट है, तो यहाँ जेड होगा, एक्स वाई नहीं, गलती से लिखा गया था। तो एक्स आया है, जेड आया है 28, एक्स भी कितना होगा, 28, तो एक्स भी 28 हो जाएगा। लास्ट में लिख लेंगे हैंस एक्स का वैल्यू 28, वाई का वैल्यू 112 और जेड का वैल्यू 28। ये आपका आंसर। इसी के साथ हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है, थर्ड को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है,
बहुत ईजी है। एक बार समझ में नहीं आया होगा तो फिर से वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा। इससे आसान कोई नहीं बताता, ठीक है? तो ध्यान से पढ़ो, मेहनत करो, हम आप लोगों को पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को। और अपने दोस्तों में जितना हो सके शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो वीडियो डालें आपके पास पहुंचता रहे, ठीक है? बाकी हम पूरा मेहनत करेंगे, आपको कोई मैथ में दिक्कत नहीं होगा, आपका मैथ वीक होगा, हम आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए रेडी हैं, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।